सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आज की मुलाकात की श्रृंखला में हम आज आधार से संबंधित सर्विसेज और उसमें कुछ एक नए अपडेट्स जो आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे हैं उनका सभी का स्वागत है। कुछ एक चेंजेस हैं जो कि आधार सॉफ्टवेयर में हुए हैं, क्योंकि हमारे बीएलई भाई हैं जो कि बैंक पीसी हैं, उनमें से कुछ एक सेलेक्टेड बीएलई भाई जो कि आधार के मानकों को पूरा करते हैं, तो वो आधार संशोधन का काम हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर पे कार्य करते हैं। तो यूसीएल सॉफ्टवेयर में कुछ यूआरडीआई के द्वारा अपडेशन किए गए हैं, कुछ नए वर्जन अपडेट किए गए हैं और पुराने वर्जन को आज से कल शाम से ही बंद कर दिया गया है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वर्जन है जो अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव है। इसके अलावा हम कैसे अपने यूसीएल पे अभी भी, क्योंकि पिछले कुछ एक समय से 2-3 माह से हमारी कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि आधार सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग यूसीएल से करते थे, नेम करेक्शन, डीओवी इत्यादि को बार्ड कर दिया गया है, अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद हम अपने यूसीएल के माध्यम से कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, और उसके साथ यूआरडीआई की गाइडलाइंस को किस तरह हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी जो कमियां हैं या फिर गलतियां हैं उन्हें हमें नहीं दोहराना है, जिससे कि अननेसेसरी हमारा आधार का जो वर्क है, हम लोग आधार संशोधन का कार्य करते हैं, वो बंद ना हो, तो उस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यूआरडीआई के द्वारा कुछ एक वर्जन है जो हम लोग जिसपे काम करते थे वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कि बेसिक वर्जन जो था 166, जिससे जो अपडेट होकर 167, 168, 169, 170, 171, 172 या कुछ भी यानी भाई हमारे 173 या 179 पर जो काम कर रहे थे, तो वो अब काम नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है उनकी मशीन अब सिंक नहीं हो पा रही है, तो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इस अपनी जानकारी को अपडेट कर लें कि अब आप 176 से अबव जितने भी आधार वर्जन है 176, 178 या 178 जो है उस पर ही काम कर पाएंगे। और पिछले कुछ समय से आपको पता ही है, अब हम आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड पर काम कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन, बायोमेट्रिक इस तरह की जो संशोधन है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना आधार सॉफ्टवेयर चेक कर लें कि वो किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो और उनकी मशीन जो है वो सिंक नहीं हो रही है। तो मशीन सिंक नहीं होने का कारण ये हो सकता है कि आप जो है पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो आप हमसे या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके जनपद में है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से स्टेट टीम में हम लोग जो है जो देखते हैं आधार पोर्टिकल यूपी में, तो हमसे संपर्क करके आप अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसको अपडेट करा लीजिए। इसके अलावा अगर आपका वर्जन ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आधार का जो सॉफ्टवेयर है वो आधार ओटीए क्लाइंट जो सर्विस पे जाकर आप चेक करते हैं तो वहां पर आधार ओटीए सर्विस मिलती है, अगर उसको आप स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं, इस बीच अगर आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है, तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट जनरली हो जाता है। इनकेस नहीं हो पा रहा है तो मैनुअली अपडेट करना होता है, तो मैनुअल अपडेट करने के लिए ही मैं आपको जो बता रहा था कि आप अपने जिला प्रबंधक या फिर यूआईडी में हम स्टेट टीम मतलब हम लोगों से संपर्क करके इसको अपडेट करा लीजिए। प्लीज पुराने वर्जन पे आप काम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका अननेसेसरी 4 दिन तक काम बाधित ना हो। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि यूसीएल पे चूंकि अब सर्विसेज हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड रह गई हैं, हम केवल मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपलोड पर ही काम कर पा रहे हैं, तो अब ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है। चूंकि हमारे पास पहले से ही बायोमेट्रिक अपडेट्स नहीं था, फोटो अपडेट भी नहीं कर पाते थे, और इस बीच अभी अप्रैल से हमसे नेम या डीओबी करेक्शन की सर्विसेज भी जो है वो बंद कर दी गई है हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर से, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि हम कैसे अपना आपको सिस्टम में सस्टेन रखें और अपने ट्रांजेक्शन को जो हमारे कस्टमर बेस है, जो फुटफॉल है, उसको हम
कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि अपने सेंटर पे अभी भी जो आपकी सर्विसेज हैं, क्योंकि हमारे जो भी सीएससी सेंटर्स हैं, आप केवल आधार ईसीएल पे काम नहीं कर रहे हैं, आपको पहले बैंकिंग सर्विसेज मिली हैं, इसके अलावा आप सीएससी की अदर सर्विसेज पे भी काम करते होंगे, तो सीएससी की जो बेस सर्विसेज हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें जो कि मंथली या फिर रेगुलर बेसिस पे आपके पास में लोग आते होंगे काम कराने, बिजली बिल है, आईआरसीटीसी रिजर्वेशन है, इसके अलावा गैस के सर्विसेज हैं, तो पैन कार्ड है, आयुष्मान भारत योजना है, इसमें आप जो भी आयुष्मान के बेनिफिशरीज हैं उनका केवाईसी करते हैं, बैंकिंग आपको मिला हुआ ही है ही, तो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, ऐसी कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि आपके पास में लोग जनरली आते होंगे, वॉकिंग कस्टमर्स आपके पास में लगातार इस तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो उनकी सर्विसेज के साथ साथ आप जो वो काम कराने आ रहे हैं उनसे देखिए कि क्या उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उनको सजेस्ट करिए कि मोबाइल नंबर लिंक कराएं, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अपलोड की एक्सरसाइज चल रही है, ड्राइव चल रही है, जो यूआईडीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया हुआ है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार धारक हैं, ऐसे सभी आधार धारकों को दोबारा से अपने आधार में पीओआई और पीओए से संबंधित आईडी एड्रेस प्रूफ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको दोबारा अपलोड कराने की जरूरत है, तो अपने सेंटर पे प्रॉपर ब्रांडिंग रखें, जो सर्विसेज आपके सेंटर पे अवेलेबल हैं उन सर्विसेज का डिस्प्ले जरूर लगा हुआ हो कि आप कौन कौन सी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, और उन सर्विसेज के साथ में अगेंस्ट उसका जो यूजर चार्जेस है वो भी डिस्प्ले करके रखें। आप अपने सेंटर, चूंकि यूसीएल सर्विसेज हम हर किसी भी एरिया को नहीं दे पाते हैं, तो पहला क्लॉज है कि वो बैंक बीसी होना चाहिए, बैंक बीसी के बाद भी हम हर किसी बैंक बीसी को यूसीएल सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ एक लिमिटेशन है, यूआईडीआई ने हम कुछ एक नंबर्स दिए हैं कि इतने नंबर्स ही हमको करने हैं, इतने ही सेंटर्स को हम यूसीएल की सर्विसेज दे सकते हैं, तो कुछ एक सिलेक्टेड बीएलईज को ही ये सर्विस मिली हुई है। अगर बात करें कि एक यूसीएल बीएलई तो लगभग 8 से 10 गांव को एक यूसीएल बीएलई सर्विस देता है, तो आप इस तरह से अपने सेंटर की ब्रांडिंग या अपने सेंटर का एडवर्टाइजमेंट रखें कि आपके सेंटर का जो प्रचार प्रसार है, एटलीस्ट आपके सराउंडिंग 8-10 गांव जो विलेजेस हैं वहां पता हो कि वहां एक यूसीएल सेंटर है जहां पर जाकर वो अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं या एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं, या उनको अगर जरूरत है डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की तो वो सर्विस वहां से मिल सकती है, तो आपके सेंटर की इस तरह का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए आसपास। अपने सेंटर पे आप बैनर पोस्टर, इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं आपकी अपनी, साथ में हमारे सीएससी के जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, या हमने अपने भी कुछ नंबर से आपको डिस्प्ले किए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर, किसी को अगर कोई रेजिडेंट को सुझाव देना है या शिकायत है तो वो नंबर्स डिस्प्ले करके रखें, साथ में यूआईडीआई की हेल्पलाइन नंबर्स को भी डिस्प्ले करके रखें। अपना सेंटर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे, क्योंकि ज्यादातर सेंटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज में खुले हुए हैं, गाँव देहात में सेंटर्स हैं, और गाँव देहात में जो कुछ इस तरह के डेली वर्कर्स होते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, या उस तरह के जो वर्कर्स हैं जो कि सुबह शाम लेट आवर्स में काम कराना पसंद करते हैं, दिन में वो कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर मजदूरी कर रहे हैं और शाम को घर पे आते हैं, फिर सोचते हैं कि कुछ काम हमारा है तो अननेसेसरी वो पूरा दिन क्यों छुट्टी करके काम कराएं, तो वो शाम को भी काम कराना पसंद करते हैं। तो आप हो सके तो अपना सेंटर जो जितना भी टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं, पूरा सेंटर पे टाइम दें, और 7 दिन आप, चूंकि आपके साथ में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप संडे को सेंटर नहीं चला सकते, आप सप्ताह के 7 दिन काम कर सकते हैं, तो 7 डेज अपना सेंटर ओपन करके रखें और सुबह 8 से 8 तक प्रॉपर पूरा समय दें। अक्सर देखा जाता है कुछ एक बीएलई भाई हैं जो कि रेगुलर अपना सेंटर नहीं खोलते हैं, जो रेगुलर सेंटर खोलते हैं वहां पे हमने देखा है, ट्रांजेक्शन के एनालिसिस किए हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन अच्छे होते हैं, जो लोग हैं उनका फुटफॉल और साथ में उनका फेथ विश्वास बना रहता है कि हाँ वहाँ पे काम कराने जाते हैं तो सेंटर बंद नहीं मिलता है और उनका काम आसानी से हो जाता है। समय समय पे आप अपने लेवल से लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे, उस न्यूज़पेपर में भी अपने सेंटर का प्रचार प्रसार, या लोकल अथॉरिटीज होते हैं उनका, उनको इंक्लूड करते हुए अपने सेंटर के प्रचार प्रसार के लिए आप वो हेल्प ले सकते हैं। जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आते हैं उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि आप अगर रेजिडेंट के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर वो रेजिडेंट जो आपके यहाँ काम करा कर जा रहा है तो वो मार्केट में या फिर फील्ड पे जाएगा तो और लोगों को जाकर वो आपकी नेगेटिव फीडबैक देगा कि मैं वहाँ काम कराने गया था, वहाँ पे जो भी ऑपरेटर हैं या फिर जो सेंटर इंचार्ज हैं वो अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते, व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के द्वारा जो है
काफी अच्छा जो है, अगर मार्केटिंग का पार्ट देखिए तो मार्क पब्लिसिटी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एक दूसरे को लोग बताते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी के साथ में आपका जो आपके यहाँ पे जो काम करा के गए, आपकी सर्विस और आपने जो पैसे चार्जेस यूजर चार्जेस दिए आपके यहाँ पे वो काम कराने आए, तो आपका काम उन्होंने आपने उनका काम भी आसानी से अच्छे से करके दिया, अच्छे से बर्ताव किया उनके साथ में, तो वो फिर वहां जाकर लोगों को भी दूसरे लोगों को भी अच्छे से बताएंगे और आपके यहाँ पे लोग जो है ऑटोमेटिक आना पसंद करेंगे। जो लोग आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूआरडीआई के द्वारा सर्कुलर जो 10 साल से पुराने जितने भी आधार धारक हैं, अगर इनकेस उन्होंने कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित कोई भी अपडेट्स या फिर चेंजेस नहीं कराए हैं, तो ऐसे सभी आधार धारकों को दोबारा से अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की जरूरत है। आधार में आईडी एड्रेस प्रूफ POI और POA, तो वहां पे अपने सेंटर पे डॉक्यूमेंट अपलोड के संबंध में जो पोस्टर बैनर आपके बीच में हम लोगों ने शेयर किए हैं वो लगाकर रखें, जिससे कि लोग अगर वो बैनर पोस्टर देखेंगे तो उनके अंदर एक ईगरनेस एक क्यूरियोसिटी आएगी कि ये क्यों लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है। वो लगा होगा फिर आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे और आपको उन्हें बताकर समझाकर उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए उनको प्रेरित करना है कि वो कराएं। यूआईडीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना आपका हमारा एज ए रजिस्ट्रार एजेंसी मूल कर्तव्य है कि हम जो भी यूआईडीआई की गाइडलाइन है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन को लेके हो, जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं एज पर डॉक्यूमेंट वैलिड जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट की वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ रहे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आप ना लें। किसी भी तरह का कोई भी रेजिडेंट कितना भी दबाव बनाए, उसकी कितनी भी मजबूरी है, कितना भी परेशान है कि हाँ भाई उसका काम नहीं हो रहा है, अगर वो कहता है आप पर प्रेशर करता है कि नहीं मेरा इसी डॉक्यूमेंट से कर दो, और आपको लग रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो है यूआईडीआई की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और उसमें लाई नहीं करता है, उसमें लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है। ओवरचार्जिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अगर ओवरचार्जिंग करेंगे तो फिर उस पर इमीडिएट सस्पेंशन और साथ में ओवरचार्जिंग की पेनल्टी भी एक हैवी पेनल्टी है, 50,000 रुपए पेनल्टी लगती है और उसमें 0% टॉलरेंस है यूआरडीआई और साथ में सीएससी, हम 0% टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं और हमारा और आपका कर्तव्य है कि यूआरडीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज इसमें सपोर्ट करिए, कंट्रोवर्सी ना करें कि दूसरा रजिस्ट्रार या दूसरी एजेंसी या दूसरा सेंटर कोई चला रहा है वो ऐसे काम करता है, हम भी ऐसे ही काम करेंगे। प्लीज हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सब काम करने वाले सब एक ही हैं, तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि यूजर चार्जेज जो बताए गए हैं हमारे यूजीएल के माध्यम से केवल करेक्शन का काम होता है, आधार अपडेट करते हैं हम लोग, चाहे मोबाइल नंबर लिंक करते हैं या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, एड्रेस अपडेट करते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सभी सर्विसेज का मात्र 50 रुपए निर्धारित शुल्क है, तो 50 रुपए ही रेजिडेंट से चार्ज करें। कुछ एक केसेस में देखा गया है कि कभी भी कोई ओवर चार्जिंग की कंप्लेन आती है तो फिर हम बचाव करते हैं कि सर हमने उसका प्रिंट भी करके दिया था या फिर उसका हमने कोई और डॉक्यूमेंट भी बनाया होगा या बनाया था इसलिए हमने उससे ज्यादा चार्जेस किए, तो प्लीज ऐसी एक्टिविटी ना करें। अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं आप, आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के दिया या फिर आपने उसकी हेल्प की कोई और डॉक्यूमेंट बनाने में या बनवाने में, तो प्लीज रेजिडेंट को अच्छे से बताकर समझाकर इस कार्य को करें और रजिस्टर मेंटेन जरूर करें, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास में आपने जो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है वो, और साथ में आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगे हो, आपके सेंटर पे रेट लिस्ट लगी हुई हो, आपके सेंटर पे बाहर भी जो हेल्पलाइन नंबर यूआईडीआई के हैं वो सभी डिस्प्ले हुए और रखे होंगे, तो फिर क्रॉस वेरिफिकेशन जब किया जाएगा तो रेजिडेंट से पूछने के लिए आपने जो रजिस्टर मेंटेन किया है, रजिस्टर में जो मोबाइल नंबर है रेजिडेंट के एग्जैक्ट वही मोबाइल नंबर हो जो रेजिडेंट अपना मोबाइल नंबर अपने आधार में अपडेट कराकर गया है या फिर उसने आधार में अपना जो भी कुछ काम कराया था जो उसका मोबाइल नंबर स्वयं का था। ऐसा ना हो कि मोबाइल नंबर गलत लगे होते हैं रजिस्टर में मेंशन रहते हैं या फिर इनकरेक्ट डिटेल बिल्कुल भी मेंशन ना करें, या फिर रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखें और रजिस्टर में जो जिस कार्य को आपने किया है उस कार्य को मेंशन करें और रेजिडेंट को अच्छे से बताएं। हो सके क्योंकि आप हमारे जितने भी सीसी सेंटर है सभी पे और भी सर्विसेज आप लोग डिलीवर कर रहे हो, जैसे कि मैं बताया कि आप हो सकता है वहां पे आए जाती निवास का भी काम कर रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट में भी हेल्प कर रहे हैं, तो उस काउंटर को अलग कर दें। आप आधार का काम जहां पे जिस एरिया में अपने सेंटर पे कर रहे हैं उसको सेपरेट पार्टीशन कर लीजिए, पोर्शन कर लीजिए, जिससे कि रेजिडेंट को ये अच्छे समझ में आ जाए कि हाँ आधार की सर्विसेज यहाँ पे
और भी काम मैंने भले ही कराया है, लेकिन आधार में जो मैंने काम कराया, मोबाइल नंबर लिंक कराया या कुछ और भी मैंने काम कराया है, तो उसके लिए जो यूजर चार्जेस निर्धारित शुल्क थे ₹50 वही दिया है मैंने। कभी भी कोई भी अनजान व्यक्ति है उसको अपना सिस्टम रिमोट पर ना दें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी सॉफ्टवेयर में चेंजेस हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर चेंजेस के लिए एक प्रोसेस फ्लो है जो कि मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है ग्रुप के माध्यम से, आपको मेल पे भी शेयर किया हुआ है कि कैसे आप ऑटो अपडेट अगर नहीं हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने साथी भी एली या फिर कोई अननोन पर्सन जो कि आपको बोले कि लाओ मैं करके दे देता हूं, तो प्लीज ना करें। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आपके जिले में हमारे CSC के जिला प्रबंधक हैं, जिस CSC की डिस्ट्रिक्ट टीम है उससे संपर्क करिए या हम लोगों को मेल पे सूचित करिए, हमसे मेल पे या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करिए। प्लीज किसी भी अनजान व्यक्ति को या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कि जो ऑफिशियल नहीं है CSC की तरफ से, जिसमें CSC का कोई भी ऑफिशियल या फिर एम्प्लॉई एडेड नहीं है, तो ऐसे ग्रुप्स में आप ऐड ना रहें। प्लीज सभी VLE भाइयों से अनुरोध है, कुछ एक केसेस में कुछ कंप्लेंट्स हम लोगों तक प्राप्त हो रही हैं, कुछ ऐसे जो कि ग्रुप चलते हैं, तो प्लीज ऐसे ग्रुप में आप लोग अगर एडेड हैं कहीं पे भी किसी भी तरह से, तो आप उससे एग्जिट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके पास में आधार यूजर की सर्विस है जो कि जिसपे आप काम करने के लिए ऑथराइज हैं। तो प्लीज ऐसे किसी भी इलीगल या फिर अनऑथराइज ग्रुप में आप ऐड ना रहें, या किसी भी गलत तरीके से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को आप यूज करने का प्रयास ना करें। आप एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट और डॉक्यूमेंट अपलोड ही कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी सर्विस को करने के लिए ना आप किसी भी रेजिडेंट को कमिटमेंट करिए, ना आप उससे बोलिए कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, क्योंकि आपके यहाँ पे नेम करेक्शन, DOB करेक्शन ये सभी सर्विसेज अब तक होती आती थी, रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आते होंगे अभी भी, तो प्लीज अब हमारे पास वो सर्विसेज नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि अब रेजिडेंट को आप प्लीज इस चीज को बोल के मिसगाइड ना करें, उसको सही गाइडेंस दें कि अब हमारे यहाँ पे यही सर्विसेज होती हैं, आप मोबाइल नंबर अपडेट हमारे यहाँ करा सकते हैं, एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है तो आप वो करा सकते हैं, हम नेम और DOB अब नहीं कर सकते, तो प्लीज इसके लिए कमिटमेंट किसी भी रेजिडेंट को ना करें। उसको आप अगर आपको पता भी है कि कहीं और दूसरी जगह बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी और दूसरे मशीन पे होता है, तो रेजिडेंट को बताइए प्लीज उसको, लेकिन ये नहीं बोलिए कि हमारे नाम लेकर वहां जाइए और हम करा देंगे, हमने भेजा, ऐसा कुछ नहीं। रेजिडेंट अवेयर होते हैं इसके बारे में कि काम कहाँ पे आधार का हो रहा है, तो वो स्वयं जाकर अपना काम वहां पे कराएंगे। उसके लिए आप खुद से अपना कमिटमेंट ना करें और ना उससे इसके लिए कोई भी चार्जेस अपने यहाँ पे लें। आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज वही करें और अच्छे से रेजिडेंट को बताएं इसके बारे में। जो एड्रेस अपडेट में, चूंकि मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट में कोई डॉक्यूमेंट यूज होता नहीं है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड है या आपके पास में अब एड्रेस अपडेट है, तो एड्रेस अपडेट के लिए जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, आप एड्रेस अपडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर लें, उसमें प्रॉपर डिटेल रेजिडेंट की है, साइन स्टैम्प या फिर उस पर साइन स्टैम्प अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके आया है तो साइन स्टैम्प जो है वो बताया है आपको तरीका किस तरह से चेक करना है, वो प्रॉपर दिया हुआ है, उस पर किसी भी तरह की टेम्परिंग या वाइटनर या कटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी कोशिश करिए कि स्टैपल इत्यादि किया हुआ ही फोटो ना हो, पेस्ट किया हुआ फोटो होना चाहिए जब आप, क्योंकि कई बार जब आप स्टैपल किया हुआ फोटो उस पर स्टैम्प लगाते हैं या स्कैनिंग करते हैं तो प्रॉपर स्कैनिंग में या स्टैम्प वो नहीं आती है, तो पेस्टिंग किए हुए फोटो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो कोशिश करिए कि वहां पे पेस्ट किया हुआ फोटो फिर उसके बाद में उस पर स्टैम्प लगी हुई हो। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस है जिनको आपको ध्यान देना है, किसी भी तरह की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कोई भी गलत तरीके से कोई भी आधार अपडेट कराने की करने के लिए आपको इंसिस्ट करता है, बताता है, कोई भी आपको दूसरा प्लेटफॉर्म के लिए बता रहा है, तो तुरंत हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या हमारे को सूचित करिए, ना कि उसमें आप जो है अपना पार्टिसिपेंट करके और उसको आप फायदा उठाने की कोशिश करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपको पिछले काफी समय से हम बता ही रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड एक बड़ा स्कोप है आपके पास में, और काफी लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा से आधार में उनके करने हैं, क्योंकि 2013 से पहले काफी संख्या में आधार कार्ड बने हुए हैं और उनको दोबारा से अपना POI और PO अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में और पिछले 15-20 दिन से या लगभग एक महीने से हम लोग देख भी रहे हैं, एनालिसिस भी किए हैं और आप भी देख रहे होंगे, अभी सहारा रिफंड पोर्टल
जो सहारा के निवेशक थे, सहारा यूजर थे, जिन्होंने अपना कुछ फंड वहां पे निवेश किया हुआ था, तो उनको दोबारा से रिफंड लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल लाइव किया गया है कि उसको पंजीकरण कराकर और उसको वो रिफंड अपना वापस ले सकते हैं। इसके लिए हमारे सीएससी सेंटर के माध्यम से सीएससी बीएली भाई आप लोग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए भी आपको निर्धारित शुल्क 20 रुपए लेने के लिए ऑथराइज किया गया है कि आप अगर किसी भी यूजर का, सहारा यूजर का अगर आप पंजीकरण करते हैं उस पोर्टल पे, तो आप 20 रुपए ले सकते हैं। इस बीच आपने देखा है कि बहुत अभी भी, जैसे कि आप बोलते थे कि सर मोबाइल नंबर लिंक कराने बहुत कम लोग आते हैं, मोबाइल नंबर तो ज्यादातर लोगों के लिंक हैं, लेकिन आपने देखा कि अभी जब ये स्कीम आई हुई है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल लिंक खोला, ओपन किया गया है, उस बीच पिछले कुछ एक समय से काफी यूजर्स जो कि सहारा के यूजर्स थे, उनको मोबाइल नंबर, चूंकि जो रजिस्ट्रेशन है उसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर उनका आधार में लिंक होना चाहिए, और वो भी ऐसा मोबाइल नंबर हो जो कि वर्किंग में है, एक्टिव है। तो आपने देखा कि अब फिर से दोबारा से फुटबॉल, और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूँ, स्पेशली इधर यूपी ईस्ट के हमारे कुछ एक जिले हैं, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया है, इधर सुल्तानपुर, आजमगढ़, तो इस बेल्ट से काफी एक मात्रा में लोग रेजिडेंट निकल कर आ रहे हैं कि वो दोबारा से, या उनका हो सकता है मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं था आज तक, तो उनको जरूरत पड़ रही है। हम अभी हमेशा से आपसे इसीलिए बोलते हैं कि अभी भी जैसे कि यूआईडीआई ने हमको कुछ एक आंकड़े बताए हैं कि 25 से 30% रेजिडेंट, अगर 130 करोड़ आधार कार्ड की बात करें कि 130 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं, 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड जारी हो गया है, उसमें से 25 से 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। लेकिन एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों को जब तक जरूरत महसूस नहीं होती तो लोग नहीं कराते हैं, तो हो सकता है ये भी कुछ ऐसे यूजर्स थे या रेजिडेंट थे जिनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब चूंकि सहारा में उनका इन्वेस्टमेंट था या सहारा में उनका रिफंड उनको लेना है, तो उनको जरूरत पड़ रही है मोबाइल लिंक कराने की, तो वो आगे निकल के आ रहे हैं। तो आपसे हम लोग यही बोलते हैं कि आप रेजिडेंट को प्लीज, चूंकि सीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएससी एक ऐसा अपने आप में मॉल है, क्योंकि आप इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक उस सर्विसेज एक छतरी के नीचे, एक छाता के नीचे, जो अम्ब्रेला के नीचे आप सर्विसेज दे रहे हैं, अपने आप में मॉल है उस सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। तो आप अपने सेंटर पे यूसीएल जैसी सर्विस आपको मिली हुई है, तो आप जरूर लगा कर रखें कि अगर प्रिय आधार धारक आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है, हो सकता है वो आपके यहाँ पे कुछ और काम कराने रेजिडेंट आया है, अगर आपने वहां लिख रखा है बोल्ड अक्षर में लिखिए, क्योंकि अब तो आपके पास में 2 ही 3 सर्विसेज हैं, आप मोबाइल नंबर लिंक करवा रहे हो, आप केवल मेल आईडी अपडेट कर सकते हो या लिंक कर सकते हो, एड्रेस अपडेट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड। तो प्लीज ये 3-4 सर्विसेज जो आपके हाथ में एक यूनिक सर्विसेज है जिसको और लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको बोल्ड, आप बैनर पोस्टर कोई बड़ा सा बनाकर लगिए कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और भविष्य में जो सरकारी किसी भी तरह की कोई योजना है या फिर गैर सरकारी भी योजनाएं हैं इस तरह की, जो कि जैसे आपने देखा भी सारा रिफंड के लिए ही लोगों को मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, अपडेट कराना पड़ता है, तो आप लगा कर रखें जिससे कि लोगों को अननेसेसरी भीड़ में या उस लाइन में कतार में लगना ना पड़े। जैसे कि आपको बार बार बोला जा रहा है कि आधार में जो डॉक्यूमेंट अपलोड ड्राइव है इस पे बहुत उम्मीद है यूआईडीआई को, और स्पेशली हमसे बहुत उम्मीद है क्योंकि हमारे नंबर्स इतने होते हैं, हम अगर यूपी में बात करें तो 5,000 से ज्यादा हमारे एक्टिव यूसीएल सेंटर्स हैं और हमारी रीच ग्राउंड लेवल पे गांव 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 तक होती है, ठीक है, तो हमसे काफी उम्मीद रहती है। तो हम अवेयरनेस में भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखें कि लोगों को अवेयर करने के लिए भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन निकल के आए कि हमने लोगों को अवेयर किया, उसके बाद ये नंबर्स हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये ऐसा महसूस ना हो कि लोगों को जरूरत हुई तो लोग खुद चलकर आए और उन्होंने अपना काम कराया तो हमने नंबर्स करके दे दिए। हमें लोगों को प्री अवेयर करके रखना है उनको, जिससे कि उन्हें अननेसेसरी, जैसे अभी अभी देख रहे हैं 2-3 दिन से थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है, कल भी सर्वर बहुत प्रॉब्लम कर रहा था और आज भी बहुत सर्वर पे हैवी ट्रैफिक है या जो भी है, यूआईडीआई पे जब भी कुछ भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस या बैकएंड से टेक्निकल टीम यूआईडीआई कुछ वर्क करती है तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और सर्वर जो है वो काम करना बंद करता है, ये सर्वर स्लो वर्क करता है। तो लोगों को आप थोड़ा सा अवेयर करिए कि भाई जैसे कि अभी सहारा में जरूरत पड़ी, कितने लोगों ने मोबाइल नंबर नहीं लिंक कराए हुए थे, अब कराने पड़ता है उनको। तो सभी लोग अपना जो भी आपके लोग सेंटर पे काम कराने आते हैं, बीएली भाइयों से अनुरोध है कि स्पेशली ये 2-3 चीजें हैं जो आपके पास रह गई हैं आधार में, और इसमें भी बड़ा स्कोप आपने देखा भी है, काफी यूजर्स ऐसे हैं, आधार धारक ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर अभी लिंक नहीं है,
हो सकता है कभी, अभी जैसे वन फैमिली वन आईडी आपको ऑलरेडी बताया मैंने पिछले भी लाइव सेशंस में बताया था, और आप लोग अभी इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे हमारे बीएलई भाई, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं, और उसको लेके भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिला प्रशासन जिला अधिकारी महोदय के द्वारा बार बार जो है समीक्षा बैठक की जा रही है कि उसमें कितना प्रगति जो है जिलेवार चल रही है। वन फैमिली वन आईडी में भी मोबाइल नंबर लोगों के या रेजिडेंट के आधार में लिंक होना जरूरी है। जिन लोगों के मोबाइल में अगर आधार नंबर लिंक नहीं होंगे तो वो वन फैमिली वन आईडी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या जो आधार धारक, क्योंकि वन फैमिली वन आईडी जो है वो प्रोजेक्ट या जो योजना है वो केवल यूपी के लिए योगी सरकार या यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की है, तो यूपी के जितने भी आधार धारक हैं या राशन कार्ड होल्डर हैं उन्हीं को बेनिफिट मिल पाएगा। तो लोगों के एड्रेस भी अपडेटेड होना जरूरी है, अगर इन केस किसी का आधार कार्ड मुंबई का है और वो हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ रह भी रहा है, पहले मुंबई में वो जॉब कर रहे थे और अब वो पिछले 5-7 साल से भले यूपी आ गए लेकिन उन्होंने आधार अपना अपडेट एड्रेस नहीं कराया है, और वो चाहते हैं कि मुझे जो है वन फैमिली वन आईडी के अंतर्गत मेरा जो है उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए या उस स्कीम में मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो वो नहीं करा पाएंगे जब तक कि वो अपना आधार में एड्रेस यूपी का नहीं करा लेंगे। इसीलिए बात हो रही है कि लोगों के जो डेमोग्राफिक डिटेल है उनके एड्रेस है आधार में वो अपडेटेड रहने चाहिए, जहां वो रह रहे हैं, जहां वो 2-3 साल से रह रहे हैं और उसके बावजूद वो अपना आधार अपडेट नहीं करा रहे हैं एड्रेस, तो उसके पीछे क्या रीजन है? हो सकता है उन्हें जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब जरूरत पड़े तभी उस काम को कराया जाए। समय रहते काम करा लेने से जो अननेसेसरी भीड़ या फिर जो लाइन में लगने वाला जो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उससे हम लोग बचे रहते हैं। तो आप अवेयर करें अपने आसपास जितने भी आपके रेजिडेंट हैं जिन्होंने आधार अपने पहले बहुत पहले कभी बने हुए हैं जिनके आधार, तो वो अपना समय रहते आधार में पीओआई पीओए अपडेट कर ले, क्योंकि अभी इसको जो है मैंडेटरी नहीं करा गया, वॉलेंट्री है, लेकिन बोला जा रहा है बार बार कि अगर इनकेस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें कि अगर गांव की बात करें तो सबसे पहले आता है राशन, राशन कार्ड होल्डर है उनको राशन मिलता है, वो भी अब आजकल आधार बेस्ड है, आधार से लिंक कर दिए गए हैं राशन राशन कार्ड जितने भी हैं। इसके अलावा पेंशनर हैं, पेंशन वृद्धा पेंशन है या जो भी जिस तरह की पेंशन हैं वो भी है, स्कॉलरशिप है वो भी अब आधार से कर दी गई है, बैंक के खाते जितने भी बैंक में खाते हैं वो भी सब लिंक है आधार से ही। इसके अलावा और भी जितनी भी सर्विसेज जो भी सरकारी योजनाएं हैं, लगभग 1000 से ज्यादा सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिसपे की आधार यूज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में होता है। तो आप लोगों को अवेयर करिए कि अपने आधार में समय रहते पीओआई पीओए को अपडेट दोबारा से करा लें जो उनके अपडेटेड पीओआई पीओए प्रेजेंट टाइम में है, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है या किसी भी ऐसी स्कीम से जुड़े हुए हैं जिसमें कि अपडेटेड उनके मोबाइल नंबर उनके आईडी एड्रेस बुक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा है, एग्जाम्पल दे रहा था आपको सहारा का, इस सहारा में बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, आधार धारक ऐसे निकल के आ रहे हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर आज तक लिंक ही नहीं कराए थे और वो इस सर्विस का बेनिफिट तब तक नहीं ले पा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं जब तक उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो प्लीज सभी आप बीएलई भाइयों से अनुरोध है, स्पेशली जो हमारे यूसीएल पे बीएलई भाई काम कर रहे हैं, कि आप रेजिडेंट को अवेयर करें और ये जो भी सर्विसेज आपके पास में आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर पे अभी भी अवेलेबल है उनको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने के लिए आप इस तरह से अपना लोगों को अवेयर करके अपने ट्रांजेक्शन आसानी से बढ़ा सकते हैं। अभी भी कोई इतना वो आप अपने आप को जो है डेमोलाइज ना करें कि अरे अब हमारे से ये सर्विसेज चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास अभी आना शुरू हो गई है कि सर हमारा सरेंडर करना चाहते हैं, हम बंद करना चाहते हैं, कि हमारा स्टेटिक आईपी का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। देखिए मैं जब भी कोई सरेंडर मेल आता है तुरंत बीएलई से पूछता हूँ कि क्या हम यूसीएल सर्विसेज ही देते हैं सीएससी के माध्यम से, आपके पास बैंक पीसी है, आप और भी सर्विसेज दे रहे हैं ना, ये क्या एडिशनल सर्विस है जो कि आपके सेंटर पे फुटफॉल को एनहेंस करती है? ऐसा नहीं है कि यूसीएल खत्म होने से या यूसीएल की सर्विसेज कम हो जाने से आपके यहाँ लोग आना बंद हो गए, बंद नहीं हो गए, आपके यहाँ पे फुटफॉल कम हो सकता है, लेकिन आपके पास जो चीजें अभी भी हैं उनको आप और अच्छे से स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए, तो फुटफॉल आपके यहाँ बढ़ेगा। ये सर्विसेज आपको लोगों को जोड़ने के लिए आपको इनहेंस करती है, ये आप डिपेंडेंट सर्विस नहीं है कि आप जो है यूसीएल पे अगर ये चीजें बंद हो गई तो आप बंद कर देंगे, सीएससी सरेंडर कर देंगे, बीएमपीसी सरेंडर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा
एक दोबारा से मैं आप सभी यूसीएल बीएलई भाई या आधार ऑपरेटर्स जितने भी हमारे हैं, हमने जो यूआईडीआई का सर्कुलर जारी हुआ था अप्रैल में, उसको दोबारा से मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि जो भी ऑपरेटर्स या यूसीएल पे काम करने वाले हमारे ऑपरेटर्स हैं वो ध्यान दें कि यूआईडीआई के द्वारा जो सामने आपको स्क्रीन पे टाइमलाइन दी जा रही है, बियॉन्ड दिस टाइमलाइन आपको दोबारा से अपना आधार सर्टिफिकेशन जो एनएससीआईटी या फिर सीपी से आपने एग्जाम दिया था उसको दोबारा से आपको री एग्जाम करना है, उस एग्जाम में दोबारा अपीयर होना है। ये टाइमलाइन आप इसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है और ट्रेनिंग में भी बताया, आपको मेल पे भी कम्युनिकेशन किया है, हमने ग्रुप्स में भी बताया है। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जो आप यूसीएल पे काम कर रहे हैं वो बाधित ना हो, तो आप जिस स्लैब में आ रहे हैं आपका जो सर्टिफिकेट जब आपने पहले कभी पास किया था उसको देख लीजिए और उस टाइम पीरियड से पहले आप एग्जाम अपना पास कर लीजिए। अब आप ये एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2022 में अगर किसी ने कोई एग्जाम पास किया है तो उसकी टाइमलाइन 1 मई 2024 है कि वो अपना एग्जाम 1 मई 2024 से पहले दोबारा उसको पास करना होगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त वाले स्लैब में बात करें कि 1 जनवरी से 31 जनवरी जो हो गया, उसके बाद नवंबर और अगस्त, अगस्त 2023 तक उन सभी ऑपरेटर्स को एग्जाम करना जरूरी था जिनके आधार सर्टिफिकेट जो पहले पास किए थे 31 दिसंबर 2013 से, 2013 से पहले जितने भी ऑपरेटर्स हैं अगर वो अगस्त से अभी तक एग्जाम नहीं किए हैं प्लीज एग्जाम कर लीजिए। ऐसे ही 2016 तक के जितने भी सर्टिफाइड हमारे ऑपरेटर्स हैं वो नवंबर तक कर लें, और इसको एग्जाम को पास करने के लिए एक ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत पड़ रही है तो वो ऑथराइजेशन लेटर आप लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, जिला प्रबंधक हैं, उनसे प्राप्त करेंगे और उस ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड करेंगे तभी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जब एग्जाम देने आप फिजिकली जाते हैं एनएससीईआरटी सेंटर पे तो वहां आपको लेकर भी जाना होगा वो ऑथराइजेशन लेटर अपने सेंटर पे। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि जो भी हेल्पलाइन नंबर है यूआईडीआई की वो डिस्प्ले करके रखें, मेल आईडी डिस्प्ले करके रखें और लोगों को एटलीस्ट कम से कम ये जरूर बता कर रखें कि 1947, क्योंकि हम लोग जो है जैसे कि सीएससी रजिस्ट्रार है, एनरोलमेंट एजेंसी है, आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेंटर मात्र हैं। आप कोई भी रेजिडेंट आता है आप उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट वैलिड जो भी वो लेके आया उसके बिहाफ पे उसका एनरोलमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम किसी का आधार जनरेट होने का या आधार इनकेस उसका रिजेक्ट हो गया उसको पास करने या फिर उसको आधार जनरेट कराने या अपडेट कराने की सियोरिटी या फिर गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि आधार जारी करने की जो अथॉरिटी है वो यूआईडीआई है। आपने जो इसके डॉक्यूमेंट से उसको अच्छे से चेक किया और डॉक्यूमेंट को चेक करने के वेरिफिकेशन के बाद आपने एज पर गाइडलाइन उसका एनरोलमेंट करते हुए उसको एनरोलमेंट स्लिप दे दी, उससे जो यूजर चार्जेस थे निर्धारित शुल्क थे ₹50 वो चार्ज किया और उसको बता दीजिए अच्छे से कि 1947 नंबर है, इस पे वो अपना ट्राई करते रहे। इसके अलावा help@uidi.gov.in मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर भी मेल करके वो अपना कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन है उनका, इनकेस आधार रिजेक्ट हो जाता है या कोई और भी वजह से उनका आधार डिले हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो 1947 या help@uidi.gov.in ये मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। पिछले कुछ एक समय से, पिछले 1.5 महीने से एक प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ एक पैकेट जो है प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं या कुछ पैकेट प्रोसेस होने में समय लग रहा है, तो आपसे भी सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप रेजिडेंट से थोड़ा सा पेशेंस के साथ में उसको पेश आए, अननेसेसरी उससे झगड़े नहीं। अगर कोई भी पैकेट आपका होल्ड में है या प्रोसेस में नहीं जा रहा है या फिर आपको प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे, तो प्लीज उसका ईआईडी नंबर डालकर, कई बार ऐसा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में उसका जो स्टेटस है वो कुछ और दिखा रहा होता है लेकिन एक्चुअल में बैकएंड से वो पैकेट जो है प्रोसेस हो गए होते हैं, तो प्लीज यूआईडीआई की जो आधार चेक स्टेटस वाली जो वेबसाइट है उस पर ईआईडी नंबर डाल के चेक करें। अगर उस पर भी आधार स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है तो आप रेजिडेंट को बताएं कि help@uidi.gov.in पे रेजिडेंट खुद से भी मेल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, आप हेल्प भी कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर भेजकर ईआईडी आप चेक स्टेटस करवा सकते हैं उसमें, क्योंकि कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जो पैकेट से थोड़ा डिले या काफी समय बाद जो है प्रोसेस होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको इस मेल आईडी या फिर उस कॉल
करने पर उस फोन नंबर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आप रही डेंट को मिसगाइड ना करें और अननेसेसरी उससे झगड़े नहीं, उसे प्यार से बताएं कि हमने आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना था या एड्रेस अपडेट करना था, आप जो चीज लेकर आए थे वो उसको देखते हुए एनरोलमेंट कर दिया है, ये स्टेटस है, ये आईडी नंबर है, आप इस पे अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात इस सेशन में दो तीन बातें मेन हम लोगों ने डिस्कस की। सबसे पहला तो आधार का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अपडेट हो गया है, तो आप लोग सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि अपना वर्जन चेक कर लें कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अभी 180 है, 180 पे काम कर रहे हैं। 176 से नीचे बिलो जितने भी आधार वर्जन है वो सभी बंद कर दिए गए हैं। अगर मशीन आपकी सिंक नहीं हो रही है तो तुरंत चेक करें आधार वर्जन और उसको अपडेट करें या अपडेट कराने के लिए हमसे संपर्क करें। इसके अलावा आप निर्धारित शुल्क ही लें अपने सेंटर पे, अभी भी हमारे पास काफी बड़ा स्कोप है कि हम अच्छे से अपने सेंटर पे अच्छे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा शर्त यही है कि अपने सेंटर पे प्रॉपर समय देना है, डेली अपना सेंटर खोलना है, सुबह 8 बजे आप सेंटर पे काम कर सकते हैं तो शुरू करिए, पूरा समय दीजिए, अननेसेसरी अपना सेंटर बंद मत रखिए, आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फुटफॉल बना रहेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया जो टाइमलाइन है, बियॉन्ड द टाइमलाइन अपना आप एनएससीईआरटी का एग्जाम दोबारा दे लीजिए और यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम करिए। डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है या फिर जो यूजर चार्जेस है निर्धारित शुल्क यूआईडीआई के द्वारा वही आप रेजिडेंट से लीजिए। तो आज की मुलाकात सेशन में जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे, सभी बीएलई भाइयों का इस आज की मुलाकात सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। आप इस सेशन को हमारे सीएससी फेसबुक उत्तर प्रदेश लाइव जो पेज है सीएससी फेसबुक उत्तर प्रदेश उस पर बाद में भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इनकेस अगर कोई बीएलई भाई आज की मुलाकात इस सेशन में ऐड नहीं हो पाए थे तो आप उस पर भी बाद में, ये रिकॉर्डेड रहता है फेसबुक लाइव सेशन, आप उस पर अपना इस लाइव सेशन को दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।